अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान आने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। और आज की फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे चिकन समोसे की। तो आप लोग चिकन समोसे की रेसिपी ज़रूर बनाएगा और हमें बताएगा कि आपको ये कैसी लगी। ठीक है, तो व्यूअर्स इस रेसिपी को आप लोग पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन समोसा रेसिपी। चिकन समोसा रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे अज्जा। समोसे की पट्टियों के लिए आपको चाहिए होगा तेल, तलने के लिए मैदा आधा किलो, नमक हसबे जायका, घी 3 खाने के चम्मच, और फिलिंग के लिए आपको चाहिए होगा अंडा 1 अदद, नमक हसबे जायका, कटी हुई प्याज 1 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, बोनलेस चिकन यानी कि बगैर हड्डी वाली चिकन 200 ग्राम, तेल 2 से 3 खाने के चम्मच, पिसा हुआ गर्म मसाला 1 चम्मच, कटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अब बारी है तरकीब की। तरकीब के लिए पट्टियाँ बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बाउल में मैदा लीजिए, घी नमक और पानी डालकर पट्टियों के लिए आटा गूंद लें। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब इसकी रोटी बेलें और पट्टियाँ बना लें। फिलिंग के लिए, फिलिंग तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगा एक पैन में तेल गर्म करके इसमें चिकन बोनलेस और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई कर लें, फिर प्याज डाल दें। जब प्याज फ्राई हो जाए तो कटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और नमक डालकर भून लें, फिर इसको निकाल कर ठंडा कर लीजिए। अब समोसे की पट्टियों के दरमियान फिलिंग डालकर किनारों को बंद कर दें अंडे की मदद से, और फिर गर्म तेल में इनको डीप फ्राई कर लें। आखिर में सलाद और चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग चिकन समोसे की रेसिपी को ज़रूर बनाएगा अफ्तारी स्पेशल में। तो उम्मीद करते हैं कि रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे इस रेसिपी की वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।